और खबरों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त आर्म्स एक्ट मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद आज पुणे की यरवड़ा जेल से रिहा हो गए। फिल्मों में सबका दिल जीतने वाले मुन्ना भाई ने अपनी नेक दिली से जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था का भी दिल जीत लिया, लिहाजा अदालत ने उन्हें आज सजा की मियाद से पहले ही रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त पुणे एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। हालांकि यरवड़ा जेल के बाहर गुरुवार सुबह से ही कुछ लोग अभिनेता की रिहाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। पुणे में जेल और मुंबई में संजय दत्त के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। परिवार लीगल टीम के साथ सुबह करीब 8 बजे ही जेल पहुंच गया था। संजय दत्त के दोस्त और फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी भी पुणे पहुंच गए थे। दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ जहां पर मीडिया फैंस उनके चाहने वाले उनके कुछ जानने वाले संजय दत्त को लेने पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जेल से जिस तरह से संजय दत्त निकले, संजय दत्त के चेहरे पे मुस्कुराहट और संजय दत्त ने सबको हाथ हिलाकर वेव किया, सबका स्वागत किया, सबका धन्यवाद किया। आप देखिए संजय दत्त की ये दो तस्वीरें। संजय दत्त ने जेल से निकलने के बाद सलाम किया, सल्यूट किया जेल के गेट के बाहर और नीचे नतमस्तक हुए, और फिर उन्होंने बैग उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। संजय दत्त के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है, और जाहिर तौर पर 5 साल संजय दत्त जेल में रहे हैं। हालांकि उनकी सज़ा में थोड़ी ज़रूर कटौती हुई है, 108 दिन के लिए उनकी सज़ा कम कर दी गई, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना था कि इनका बिहेवियर जेल में काफ़ी अच्छा था, जिसके चलते इनको थोड़ी सी रियायत दी गई सज़ा में। और आज संजय दत्त अपने घर वालों के साथ अपनों के साथ मिल पाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि अब संजय दत्त चार्टर्ड प्लेन से यरवड़ा जेल से चार्टर प्लेन में मुंबई चले जाएंगे। सबसे पहले वो शायद अपनी माँ नरगिस दत्त के कब्र में जाएंगे, उनसे उनका आशीर्वाद लेंगे, और फिर सिद्धि विनायक मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, मीडिया उनके चाहने वाले सिक्योरिटी सबका जमावड़ा लगा हुआ है, और दूसरी तस्वीर उस पल की जब संजय दत्त जेल से रिहा हुए। करीब करीब 9 बजे संजय दत्त रिहा हुए थे, उनकी कागजी कार्रवाई सुबह ही पूरी कर दी गई थी, और 8 बजे के करीब जेल के बाहर उनके समर्थक उनके घर वाले सब आ चुके थे। हालांकि कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया कि संजय की सज़ा जो है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन का कहना था कि संजय का जो बिहेवियर था वो जेल में काफ़ी अच्छा था, जिसके चलते संजय दत्त की सज़ा थोड़ी सी कम कर दी गई। तो संजय दत्त के लिए आज बहुत बड़ा दिन। नीली कमीज में जेल से बाहर निकलने के बाद संजय दत्त ने नतमस्तक हुए संजय दत्त जेल के गेट के सामने, और फिर सल्यूट किया। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी संजय दत्त के हाथ में आप देख सकते हैं, शायद वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रक्रिया के दौरान उनको दिए गए हों। और देखिए किस तरह से संजय दत्त ने सल्यूट किया।